आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान हिंदी टिप्स में। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल को दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज को। आज की सीरीज में बात करेंगे आइडिया और वोडाफोन का सिम अगर आपके पास है और गुम हो गया है तो आप उसको हमेशा के लिए या टेम्प्रोरी जो भी आपके ऊपर है उसको कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज में देखेंगे ऑनलाइन आपको बंद करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसा देने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा myvi.in/blockyoursim, ठीक है। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा जो कि VI की ऑफिशियल वेबसाइट है और VI की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है। अगर आपके पास VI का सिम था वोडाफोन आइडिया का और वो गुम हो गया है तो आप उसको हमेशा के लिए कैसे बंद कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया हाउ यू कैन ब्लॉक योर VI ऑनलाइन, प्लीज इंटर योर नंबर बिलो एंड वी विल सेंड एन OTP टू अल्टरनेट नंबर या ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको अपना वो नंबर डायल करना जो आपका जो सिम गुम हो गया है या आप जिसको बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो सिम का जो नंबर है फोन नंबर उसको आपको यहाँ पे इंटर करना होगा 10 डिजिट का। इंटर करने के बाद आपको गेट OTP टू ब्लॉक सिम का जो सबसे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके नंबर पे ईमेल आईडी अगर आपने रजिस्टर किया था तो आपको ईमेल पे भी OTP जाएगा। अगर ईमेल नहीं रजिस्टर किया आपका तो सबको पता है कि जब आप नया कनेक्शन लेते हैं सिम कार्ड का तो उसमें एक मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक होता है, तो जो नंबर आपने लिंक कराया था उस नंबर पे OTP जाएगा, यानी कि अल्टरनेटिव जो नंबर था उस पर आपको OTP जाएगा। अल्टरनेटिव नंबर पर और ईमेल दोनों पर जाता है, अगर आपका ईमेल रजिस्टर नहीं है आपका मोबाइल पर दोनों पर सेम ही OTP जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो आपके पास जिसका भी एक्सेस है वो वहाँ से आप OTP लेकर के यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद गेट OTP टू ब्लॉक सिम पर क्लिक करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा उसको क्लिक करना। चलिए देखते हैं कि कैसे आगे का प्रोसेस करना है। हम यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल के इंटरफेस करते हैं। इंटरफेस करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे, अब हमारे फोन पे OTP आ जाएगा जो कि हमारा अल्टरनेटिव नंबर था। तो OTP मुझे रिसीव हो गया, मैं यहाँ पे अपना वो 4 डिजिट का OTP यहाँ पे इंटर करूँगा। अगर आपने अल्टरनेटिव नंबर के साथ साथ अपना ईमेल आईडी भी लिंक किया है तो आपको दोनों पे OTP रिसीव हो जाएगा। आपके पास जिसका भी एक्सेस हो अल्टरनेटिव नंबर या ईमेल, तब दोनों में से किसी एक का उपयोग करके अपना OTP डाल सकते हो, दोनों में से एक ही OTP प्राप्त हो। OTP डालने पर कन्फर्म करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग चलेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे थैंक यू का एक मैसेज आएगा और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भी ऊपर शो होगा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल भी शो होगा जो कि आपका हमेशा के लिए सिम बंद हो चुका है। इस रेफरेंस नंबर से आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो या कस्टमर केयर से भी पता कर सकते हो जो यहाँ पे स्टेटस आपको दिख रहा है इस आईडी से। और साथ ही दोस्तों बता दूँ आपका जो नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है यही आपका जो नंबर है, इसी से आपका सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया इसी नंबर को। अगर आप चाहते हैं कि इसी नंबर से फिर एक नया सिम कार्ड चालू करा लें तो इसके लिए आपका ओरिजिनल गवर्नमेंट प्रूफ लेकर के अपने नज़दीकी VI स्टोर जाना होगा और वहाँ से आप अपना सिम को दोबारा एक्टिव करा सकते हैं। तो यही प्रोसेस होता है सिम को बंद करने के लिए VI में। थैंक यू।